इसके अंदर अभी लाइट को फिट करेंगे। तो ये नट है, ये लिक्की है, तो अभी इसको ऊपर के कवर को हम ओपन करेंगे। ठीक है, ये चारों पेज को ओपन करना, नट को ओपन करके इसके कवर को निकाल के इसके अंदर लाइट फिट करेंगे। नट को ओपन कर दिए, अभी ये निकाल देंगे। और ये टॉर्च है, ये इसके ऊपर रबर लगा हुआ है, वाटर प्रूफ होता है ये। तो ये तो मालूम है, ऐसे लगता है इसके ऊपर, ये ऊपर कवर लग जाएगा तो ये रबर है, ये बारिश हो तो पानी वगैरह नहीं जाएगा इसके अंदर, वाटर प्रूफ होता है। और ये इसकी लाइट है, लाइट को ओपन करते हैं। अभी बहुत ही सिंपल है, ये लाइट है इसकी। और ये इसके अंदर ऐसे करके इसको ये लगाया और थोड़ा ऐसे घुमा दें बस, ऐसे ये इसके अंदर, ये इसके अंदर ऐसे करके इसको ऐसे घुमा दें, फिट हो जाएगी आगे। दूसरी एक हाथ है इसका रबर, इसको ऐसे लगाएं वापस, और इसका कवर को लगाएं, और इसके अंदर पेज को वापस टाइट कर दें। तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों ये जॉइंट के लिए आता है, आपको मालूम भी होगा या नहीं मालूम है तो देख सकते हैं आप। ये जॉइंट के लिए आता है वाटर प्रूफ, तो यहाँ टेप नहीं लगती है सकतुन, ये लगता है कि पानी वगैरह या कोई भी ना जाए जॉइंट के अंदर, जॉइंट ख़राब ना आए हो सके, तो इसलिए ये लगता है वाटर प्रूफ होता है ये। तो लगाते हैं फिर दिखाते हैं आपको। दोस्तों हमने ये जॉइंट मार दिया है, तो अभी ये लगाएंगे इसके अंदर, तो क्या दिक्कत वाली बात नहीं है। ये अंदर गया और इसको ऐसे घुमा दें राइट साइड में, तो ऑटोमेटिक ये जॉइंट हो जाएगा। वायर को पुश करके ऐसे, पुश करके ऐसे घुमा दें राइट साइड में, तो ये अभी दिखाता हूँ आपको, घुमाता हूँ चलो, ये घूम गया लगभग। तो अभी अभी नहीं निकलेगा ये, अभी राइट हो गया, देख सकते हैं आप। तो ऐसे होता है, इसे राइट साइड में आप घुमाओगे ना, अंदर पुश करके इसको ऐसे अंदर ऐसे घुमा दो इसको राइट साइड में, राइट साइड में, फिर देख सकते हैं आप। ये देखिए इतना जोर मार लें नहीं निकलेगा, इतना ही जोर मार लें नहीं निकलेगा वायर। ये देखो आप देख सकते हैं, मैंने काफ़ी किया हुआ देख सकते हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, थैंक यू। हमने लाइट लगाई है अभी, ये अर्ध वाली लाइट बोलते हैं, यानी ज़मीन के अंदर लगती है, अर्ध बोलते हैं। तो अर्ध वाली लाइट है, ये सूत धागा बना हुआ, सूत किया हुआ है मिजान, इसके बराबर चाहिए थी उसको, लगाइए हमने। ठीक है, आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और देख सकते हैं आप। तो इसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए, वैसे सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ लाइट। पहले भी वीडियो है इसके बारे में, ये लाइट है, डायरेक्ट भी लगा सकते हो आप इसको, और इसका ओनली ये मिसमार या नट ओपन करके इसका एल्बो भी लगा सकते हो, बाद में ये कवर लग सकता है डिकोर, लेकिन या फिर डायरेक्ट भी लगा सकते हो आप मिजान निकाल के, यानी लेवल निकाल के आप लगा सकते हो। बहुत ही सिंपल है लगाने के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस इसका मिजान करना होता है। ये हमने डोरी बांधी हुई है, देख सकते हो आप, डोरी बांधी हुई है नाप करके, तो आप यहाँ टाई लगेगी और
एकदम मैदान में है। काफी बंदे पहले टाइल लगा के जहाँ लगानी होती है वहाँ छोड़ देते हैं और फिर बाद में लगाते हैं एल्बो और फिर बाद में डेकोर। कई बंदे पहले टाइल से पहले लगा देते हैं, लगाते लगवा लेते हैं, बोलते हैं कि मैदान करके लगा दो, टाइल हम बाद में लगाएंगे। तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। एकदम सीधी है, कोई फर्क नहीं है, इंशाल्लाह देख सकते हैं आप। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और इधर ये ऊपर भी लाइट आएंगी तो दिखाते हैं, कुछ लगा चुके हैं हम, कुछ लगाने वाले हैं तो दिखाते हैं आपको। ये कंप्लीट लगा चुके हैं। तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर माई वीडियो और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। अभी नई बिल्डिंग शुरू करने वाले हैं तो उसकी वायरिंग और तपलून और अर्थ जो भी ट्यूबे के वायर जो भी आपका सवाल है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर माई वीडियो। अस्सलामु अलैकुम।